नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं चेतना मंच। पाकिस्तान इस समय बहुत ही गहरे आर्थिक संकट में फंसता जा रहा है और उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। देश की तेल कंपनियों ने चेतावनी दी है कि ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह से बिखरने की कगार पर पहुंच चुकी है। कंपनियों का साफ तौर पर कहना है कि डॉलर ना होने की वजह से और रुपए की लगातार गिरती कीमतों ने उद्योग पर संकट पैदा कर दिया है। आखिर क्यों आई पाकिस्तान पर यह मुसीबत, क्या है इसकी वजह, आइए जानते हैं। कंपनियों की माने तो बस कुछ ही दिन बचे हैं और पाकिस्तान की ऑयल इंडस्ट्री पूरी तरह से ढह जाएगी। देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली मदद का इंतजार है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मदद पाकिस्तान को जल्द मिलने वाली नहीं है। पेट्रोल कंपनियों पर ताला लगने का सीधा मतलब पाकिस्तान का पूरी तरह से खत्म हो जाना है। ये पहली बार है जब देश इतने बड़े तेल संकट से गुजर रहा है। आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर पाकिस्तान पर ये मुसीबत क्यों आई है। IMF की शर्त को पूरा करने के लिए देश की सहबाज सरकार ने डॉलर कैप को हटा दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि रुपया 276.58 रुपये से ऐतिहासिक निचले स्तर तक गिर गया। पाकिस्तान के तेल और गैस नियामक प्राधिकरण OGRA और ऊर्जा मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा है कि तेल कंपनी सलाहकार परिषद OCAC ने कहा कि रुपए की कीमतों में अचानक गिरावट आने से उद्योग को अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। 27 जनवरी तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार $3 बिलियन से कुछ ही ज्यादा था। इतनी रकम सिर्फ 18 दिन की जरूरतों को ही पूरा कर सकेंगी। पाकिस्तान इस समय भयंकर भुगतान संतुलन संकट का सामना कर रहा है। रुपए की कीमत तेजी से गिर रही है, इसकी वजह से आयात होने वाले सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऊर्जा में पाकिस्तान के आयात बिल का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान कैसे इस आर्थिक संकट से निकल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना मंच।